ऊंचा बोलना, इससे ऊंचा नहीं बोल रहा था। क्यों? ये इसको घर बुलाया है, इसने तकिए से उसका सांस बंद कर दिया और फिर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट बुशरा शकील। नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूं सीआईए कोतवाली के अंदर और ये जो आप मेरे साथ नौजवान बच्ची देख रहे हैं, आप इसकी स्टोरी सुनेंगे, दास्तान सुनेंगे तो यकीन करें हैरान हो जाएंगे। ये 25 साल नौजवान लड़की ने अपने ही आशना के साथ मिल के अपने शौहर को मरवाया। स्टोरी क्या है ये हम इनसे जानते हैं कि क्या वजूहत हुई। क्या नाम है आपका? कश्माला। उम्र क्या है? 25। ऊंचा बोलना। 25। अच्छा, ये ज़रा मुझे बताएं कि क्या मामला हुए, इधर से आपने जो है अपने शौहर को मरवा दिया और आपका जो आशिक है यानी कि आपका जो बॉयफ्रेंड था उसने अपनी बीवी को मरवा दिया, यानी कि हंसते बसते दो घर कैसे उजड़ गए? शादी करने के लिए। ऊंचा बोलना। इससे ऊंचा नहीं बोला जाता। क्यों? पता नहीं, मैंने कहा ऊंचा बोलना। हाँ जी बोले। शादी करने के लिए। अच्छा, किससे शादी करना चाहती थी? उस्मान से। उस्मान जो आपका बॉयफ्रेंड था? जी। अच्छा, कब से ताल्लुकात थे उसके साथ? कॉलेज टाइम से। कितना अर्सा पहले? 4-5 साल हो गए। 4-5 साल से उसके साथ आपके रिलेशन थे? जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर हमने कहा शादी करते हैं तो उस्मान के घर वाले नहीं माने, मेरे घर वालों ने मेरी शादी। उस्मान आपका बॉयफ्रेंड? जी। मेरे घर वाले ने मेरी शादी कर दी तो मेरी शादी से 6 माह बाद उसने शादी की और उसने 2 माह में अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। आपको पता था ये अपनी बीवी को मारने वाला? नहीं, मुझे नहीं था पता। मुझे इसने कहा छोड़ दूंगा पर मुझे ये नहीं था पता ऐसे छोड़ेगा। फिर इसने मुझसे बात की कि अब तुम अपने शोहर को छोड़ दो। मैंने कहा उसने मुझे नहीं छोड़ना, जो मर्जी हो जाए, कहता उसको मार दो। मैंने कहा मैं नहीं उसको मार सकती। इसने कहा मैं तुम्हारा साथ दूंगा। इसने मुझे नींद की टैबलेट ला के दी हैं और फिर मैंने अपने शोहर को वो दी हैं। ये इसको घर बुलाया है, इसने तकिए से उसका सांस बंद कर दिया और फिर बाइट ले जाके उसको फेंक दिया। घर में और कौन कौन मौजूद था? घर में 3-4 लोग थे। मैंने कहा ऊंचा बोलना बच्चे। 3-4 लोग थे। अच्छा, उनको पता नहीं चला 3-4 लोगों में आपके सास ससुर कोई नन देवर और कौन कौन था? सोए थे। रात को कितने बजे बुलाया था? 2-3 का टाइम था। रात को 2-3 बजे? जी। अच्छा, गोलियां भी वही लेके आया था? जी। अच्छा, फिर उसके बाद उसने जाके मार दिया? फिर सुबह सबको जब उसको बाहर किसी ने देखा कि वो गिरा हुआ है तो। कहाँ गिरा हुआ था? आपके घर से कितनी दूर? थोड़ा सा 2-3 मिनट का रास्ता। तो डॉक्टर के पास लेके गए, उन्होंने कहा कि इसकी ना दिमाग की वेन फट गई है हार्ट अटैक से। हार्ट अटैक हुआ था? दिमाग की वेन कैसे फटी थी ये डॉक्टर? मतलब क्या किया था उसके साथ? सांस बंद किया था। अच्छा, तकिए से सांस बंद किया था? जी। आपके सामने किया था? जी। अच्छा, फिर उसको दफना दिया गया। दफना दिया? जी। अच्छा, फिर आप यहाँ पे कैसे हो? मतलब आप, ऐसा क्या हुआ कि आप यहाँ पे पकड़ी गई और ये सारे मामला? इसने मुझे छोड़ दिया था, फिर मैंने जिनका बेटा फोत हुआ, शराफत फोत हुआ ना, उसके अब्बू को जाके बता दिया था सब। अच्छा, देखिए नाज़रीन के जिसकी खातिर इसने अपने शौहर को मारा, बड़ी बेरहमी थे, वो ही इसको बाद में छोड़ गया। छोड़ने की वजूहत क्या थी? वो तो आपसे शादी करना चाहता था, अपनी बीवी को भी मारा, आपसे आपके शौहर का भी कत्ल करवाया, तो फिर उसके बाद छोड़ने की वजूहत क्या बनी? पता नहीं, अचानक की बात बंद कर दी थी उसने। कितनी देर पहले ये सारा मामला हुआ? ये 2-3 माह हो गए। मतलब आपने जब अपने शोहर को मरवा दिया अपने आशिक से, फिर उसके बाद कितनी देर तक बातचीत चलती रही? 1 साल तक। 1 साल तक? जी। ज़मीर मुतमईन था उस वक्त? नहीं। शोहर की याद नहीं आती थी? आती थी। कितना अरसा रही थी शोहर के हक में? 10 माह। बच्चा है कोई? नहीं। अच्छा, तो कभी 1 साल उसी बिस्तर पे, जिस बिस्तर पे आपके शोहर को आपने मरवाया, जिस तकिए से मरवाया, वहीं पे सोती थी ना? नहीं, छोड़ के अम्मी घर आ गई थी। आप अपनी अम्मी के घर आ गई थी? जी। अच्छा, फिर ससुराल वाले मिलते जुलते थे ना? हाँ जी। तो जब रात को सोती थी सुकून की नींद, तो कभी ज़मीर ने अंदर से झंझोड़ा नहीं था कि मैंने अपना सर का साई जो है, जो मेरा सरताज है, मैंने उसको कैसे मरवा दिया? झंझोड़ता था झंझोड़ता था। फिर इंतज़ार कर रही थी कब सज़ा मिलेगी मुझे। अच्छा, सज़ा का इंतज़ार कर रही थी? जी। तो फिर आपने अपना क्यों नहीं बताया? आपने जब आपके आशिक ने आपको छोड़ा है, उसके बाद आपने उसकी शिकायत लगा दी कि आपके बेटे को इसने मरवाया? नहीं,
अपना नहीं बताया? मैंने अपना बताया कि मैंने उसके साथ मिलके किया है। अच्छा, आपने किसको बताया सबसे पहले? जो फोत हुआ है उनके अब्बू को। जो फोत हुआ है वो आपका क्या लगता था? मेरा कजन था। कजन तो था, रिश्ता क्या था कजन के अलावा? शोहर था। तो शोहर कहते हुए आपको शर्म आ रही है अभी? नहीं। तो फिर आप जो इतना घुमा फिरा के बात कर रही हो, सीधी तरह कहो कि मैंने अपने शोहर के बाप को बताया, यानी कि अपने ससुर को बताया। ससुर को बताया था जी। क्या बताया था उनको जाके? कि मैंने उस्मान के साथ मिलके शराफत को मारा है। अच्छा, फिर आपके ससुर ने आपकी शिकायत की, मतलब FIR करवाई? उन्होंने कहा क्या चाहती हो? मैंने कहा मैं सजा चाहती हूँ, आप जाके FIR कटवा दें। तो फिर उन्होंने कटवा दी। ये फैसला क्यों किया? यानी कि बची जी थी ना एक साल से, तो क्या ऐसे दिल में आया तो कि जी आपने जाके ससुर को कहा कि मुझे सजा चाहिए? इसकी वजह से अपनी आखिरत तक खराब कर ली, उसने छोड़ दिया तो फिर फायदा अब ऐसे गुनाहों में पड़ने का? सजा तो मिलनी थी एक दिन। शोहर के साथ ताल्लुकात कैसे थे? ठीक थे। अच्छा था, आपका ख्याल रखता था? हाँ जी रखता था। मतलब सब ज़रूरतें जो एक शोहर अपनी बीवियों की पूरी करते हैं, वो तमाम जो अच्छे ताल्लुकात थे उसके साथ? जी। तो फिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी थी कि आपका जो सबका आशिक था उसके साथ ताल्लुकात रखने की? इससे मोहब्बत थी। शोहर से नहीं थी? नहीं। ताई का बेटा भी था? जी। कज़न भी था यानी कि? जी। ठीक। और वो आपका शोहर करता क्या था? गाय भैंसों का था उनका। और आपका जो आशिक है वो क्या करता था? वेब डेवलपमेंट का। क्या ऊंचा बोल बेटे? वेब डेवलपमेंट का। अच्छा, अब माफी मांगती हैं? जी। अपने जैसी बच्चियां जो इश्क में अंधी होके अपना खानदान बर्बाद कर बैठती हैं, अपनी जिंदगी, आपको नहीं लगता कि आपने दो खानदान जो है ना वो तबाह कर दिए, बर्बाद कर दिए? लगता है। एक आपका, आपके घर वाले भी अब शर्मिंदा होंगे ना, लोगों को मुंह दिखाने के लायक नहीं होंगे कि हमारी बेटी ने ये काम कर दिया। जी। एक उसका जिसका वो बेटा था। जी। तो अपने जैसी बेटियों को कोई पैगाम देना चाहेंगी जो इश्क के चक्रों में पढ़ के जो है अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठती हैं? गलत करती हैं वो, उनको खुदा की रजा में। उधर देख के बात करनी है, मुंह ऊपर करके बात करनी है, उधर कैमरे में देख के, सामने कैमरे में देख के अपने जैसी लड़कियों को जो पैगाम देना दे, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई इस तरह की हरकत करना भी चाहे तो नहीं करे। गलत करती हैं वो, उनको खुदा की रजा में राजी हो जाना चाहिए। यानी कि जो माँ बाप फैसला करते हैं वो औलाद के लिए बेहतर होते हैं? जी। हाँ जी जी। नाज़रीन, ये है वो लड़की जिसने अपने इश्क को पाने के लिए, अपनी मोहब्बत को पाने के लिए अपने शोहर को मार दिया। उसके बाद जिसके लिए इसने अपने शोहर को मारा, वो भी इसका ना बना, वो भी इसको छोड़ के चला गया। अभी हम जाके इसके जो आशिक है क्या उस्मान, उससे भी जाके बात करेंगे, उससे भी पूछेंगे कि क्या मामला, तुए क्यों इसको छोड़ा, क्यों अपनी बीवी को मारा।